जितने भी बात कहूंगा एक एक बात पूछ लियो, नजदीक है फोन करके पूछ लियो और ना तो जाए यो दिल्ली, एक एक बात ध्यान से सुननी पड़ेगी आप लोगों ने। दिल्ली में सरकार बनी थी 4.5 साल हुए हैं और जो यहां बीजेपी का या कांग्रेस का भी कोई बैठा है वो भी इस बात को सुनकर जाइयो भाई साहब, दिल्ली में आम आदमी के लिए काम करा दिल्ली की सरकार ने। आम आदमी जो होता है, गरीब आदमी जो होता है, ग्राहक नहीं ग्रह है, बेरा है नहीं बेरा है, ग्रह है, ये मेरी बात सुनो। 200 यूनिट बिजली फ्री 24 घंटे आवे है दिल्ली में। गुड़गांव में क्या रेट है भाई साहब बताओगे एक बार? 7 रुपए आवे है और दिल्ली में आवे 24 घंटे, मतलब 1400 रुपए सीधे बचके कि नहीं बचके? एक आदमी का जो दिल्ली में रहे है 10,000 रुपए बच्चे, मैं आपको बताऊं। फिर आ जाओ पानी, 20,000 लीटर पानी दिल्ली में फ्री में ला हर परिवार को जावे है। आप लोगों ने कितना मिल रहा है भाई साहब? चाहे कोई बड्डी कोठी में रहता हो बता दो कितने मिल रहे है? मिल रहा है 20,000? नहीं मिलता। फिर आ जाओ सरकारी स्कूल, गुड़गांव में ये लोगों को लूट लूट के खा रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? नहीं खा रहे, लगे बोलते कौन है आप तो? अरे तेज बोलो, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ये मीडिया के साथी भी ये नुकेंगे नहीं, इधर राज्य है गुड़गांव में ये लोग। दिल्ली के सरकारी स्कूल इसे बना रखे हैं, गुड़गांव में गए प्राइवेट स्कूल भी नहीं पाओगे जिदा 5-5, 10-10 हजार रुपए पढ़ने लग रहे हो। मैं आपको बताऊं कितने सरकारी स्कूल खोले इस सरकार ने? कुछ नहीं खोला भाई साहब। एक आम आदमी के लिए जब अपने बच्चे की फीस भरो ना, जब बेरा बाटे है बच्चे तो पढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन जब फीस भरो हो तो आम आदमी कितने पढ़ा होगा? गरीब आदमी कैसे पढ़ा देगा प्राइवेट में? नहीं पढ़ा सकता। दिल्ली में हमने वो काम करके दिखाया भाई साहब। फिर आ जाओ स्वास्थ्य, ये गुड़गांव में मैं जितने भी प्राइवेट तो बिल देख के मरेगा कि नहीं मरेगा? मेरे ख्याल में पैसे वाले बैठे हैं बोलते को ना, पैसे वाले लगे हैं। अरे जब मेडिकल में जाओगे कोई एक्सीडेंट होगा बड़ी बीमारी होगी तब भाई साहब अगर सरकारी में लेकर जाओगे तो वो वैसे मरेगा और प्राइवेट में बिल देख के मरेगा। गलत नहीं कह रहा हूं? दिल्ली के अंदर अगर 10 लाख रुपए भी लगते हैं ना भाई साहब, गुड़गांव में आदमी का भी अगर एक्सीडेंट हो गया दिल्ली में, दिल्ली सरकार इलाज कराओगी चाहे 10 लाख रुपए लागते हो भाई साहब। और हरियाणा में क्या है? अरे हरियाणा का आदमी भी मर जाएगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा और कुछ हो जाएगा तो हरियाणा सरकार उसका इलाज नहीं करा सकती भाई साहब। तो एक बात बताओ, बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल ये बड़ी अच्छी है कि नहीं चाहिए? तेज बोलो, ऐसे ना मिलना कुछ भी भाई साहब। अरे बिजली पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों आठा का आवाज लगाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी थी। ये अगली लाइन में मेरे ख्याल में घने बड़े आदमी बैठे हैं, हाथ नहीं ठाते कभी। बिजली पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बढ़िया सरकारी स्कूल हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर आम आदमी पार्टी पे झाड़ू पे वोट देनी चाहिए भाई साहब, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अरे हमने काम करके दिखाया है, इनने एक काम करा है, नाम बदला गुड़गांव में का। क्यों ना एक काम करोगे तो गलत बात तो नहीं है? इसका नाम दर्दो न्यूयॉर्क, काम में नहीं करेगा कोई तो क्या होगा?
इस गुड़गांव में के लोगों सुन लो, तम लूट लूट के थारे पैसे लूट लूट के ये अधिकारी ये नेता ये भर रहे हैं भाई साहब अपनी जेब। अरे हरियाणा को 40% रुपया दे रही है गुड़गांव में, और जो भी एमएलए एमपी बन जाए अड़ता है उसका ब्योत कन्यादान का लड़का नहीं होता छोड़ी के ब्याह में, एमएलए बनते 1000 करोड़ का हो जाए, हो गया कि नहीं हुआ है। तो भाई साहब आप लोगों ने देखना पड़ेगा, एक एक आदमी ने सोचना पड़ेगा, अगर भाई आप किसके हाथ में सरकार दे रहे हो। और ये तो दिल्ली है, थारे छो नहीं उठता गे, उठता नहीं भाई दिल्ली की फैसिलिटी देख के। अरे तुम्हें दिल्ली वाले एसी चलावे हैं उतना ही बिलावे है, और तुम पंखा चलाओ हो तभी उतना ही आवे है, फर्क है कि नहीं है। तो भाई साहब हम तो एक बात कहे हैं, कब की बार काम देखना पड़ेगा, सारे शाणे समझदार हो, कोई बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को, सबको पता है अब दिल्ली के अंदर काम हुए हैं, सबको पता है आप लोगों को। तो अब आपने देखना है ये बीजेपी को अगर वोट दोगे तो अभी मुख्यमंत्री ने कह गई थी, सुनी थी कह गई थी ये नुका है 75 पार 75 पार, मैं नुकू जाए बीजेपी की 75 आ गई तो आम आदमी की गर्दन पवार होगा काटे का, तब ने सारा ने देख लियो मैं बताऊं। ये मुख्यमंत्री कह रहा है अपने दे, सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने, मुख्यमंत्री फरसा लेगा नुका गर्दन काट दूंगा। तो भाई साहब ये पता दोबारा बना भी नहीं है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा देखना पड़ेगा। गुड़गावा, गुड़गावा का मतलब क्राइम, गुड़गावा का मतलब गंदगी, गुड़गावा का मतलब हमारी मां बहन बेटी असुरक्षित, सहग नहीं है, गलत नहीं बोल रहा हूं कुछ मैं। आम आदमी पार्टी आप लोगों की आवाज लड़ेगी, आपके आवाज उठाओगी भाई साहब, आप लोगों ने एक आदमी ने सोचना है। ये अपने राठी साहब आई हो जी, मैं आ जाओ खड़े हो ले भाई, एक बात बताओ यो खराब आदमी है गे राठी, सुनाएगो ना खराब है अच्छा है के है, रुका मारेगा अच्छा आदमी होगा। इतने दिन हो गए इस आदमी ने संघर्ष करते, आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और किन लोगों के साथ लड़ रहा है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो भाई जो एमएलए था पहले यहां पे, अब उसने क्या कर दिया भाई, कुछ करा गे? तो राठी साहब को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यही साइड वाले नहीं बोल रहे, अरे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाई साहब। मैं आप लोगों के बीच में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, आप लोग अगर ये कहते हो तो भाई पार्टी का मैं सिफारिश करूंगा, चुनाव लड़वाने की कहूंगा, अखतंत मंत दंत हेल्प करोगे, आठ आ गया बताओ आठ आ गया, और सुनो भाई चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, आप लोगों ने देख लियो। आम आदमी पार्टी मुद्दों से चुनाव लड़ेगी भाई साहब, और हमें लोगों से जाकर आप लोगों के बीच में आकर इसलिए पूछा है, पार्टी तो जाकर नुए बतावेंगे आके एक राठी को टिकट नहीं दे रहे, आप जितने बैठे हो ना आप लोगों के लिए टिकट है। फिर सोच लो एक बार, साथ देना पड़ेगा, एक महीना है दे दोगे, ये पांच छह सीखा एक बार आठ आ लो भाई, ये बात होगी सारे आठ आ गए बताओ गल्ला होना। तो भाई साहब
मेरी तरफ से हम राठी साहब की सिफारिश करेंगे भाई, सीधी बात है। और इसलिए नहीं भाई, काम कर रखा लोगों के लिए काम किया है इसलिए कह रहे हैं हम, और कुछ नहीं है इसलिए काम करा है। लेकिन आप ये मत मानियो एक मीटिंग में आए और मीटिंग में आ गए, ठीक है भाई। एक महीने तक जितने लोग यहां पर आए हुए हैं, अगर ईमानदारी से, अगर दिल से आप लोग साथ दोगे तो गुड़गावा की सीट को जीतने से कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। आप लोगों के बीच में आए, आप साथियों से सबसे यही रिक्वेस्ट है, ये मत मानियो अगर भाई ठीक हो गया काम, आप लोगों का काम शुरू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की। एक कलम। अरे नारे से लगाओ, बीजेपी वाला के कान पाट जाने थोड़ी लाग रहा है। एक कलम जिंदाबाद। एक कलम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।